ऑटो ब्लॉग का स्टार्ट लिया है। आई होप कि कैसा रहता है। यार मैं घर से निकला था तो हो रहे थे 885 किलोमीटर, अब हो रहे हैं 919 किलोमीटर। यार हमारा माइक बंद हो गया था, और ये चीजों का भी ख्याल रखना है ना। सबसे अच्छी बात है इस ऑर्डर की यार, 6 आवर्स के अंदर मेरे पास रिसीव हो गया, 6 घंटे मुझे मिल गया। 12 बजे ऑर्डर प्लेस किया, 6:30 5 बजे ऑलमोस्ट मेरे दरवाजे पे था। अभी ओपन कर दो तो बताता हूँ क्या है। दराज से ऑर्डर किया मैंने। इसमें स्टिकर लगा हुआ है, इसका मतलब ये अनपैक है, अभी तक इसने इसको ओपन नहीं किया। अच्छा हमको सिखा दिया है। अच्छा पैक तो बड़ा अच्छा हुआ है, अब चीज भी अच्छी निकले जो मैंने मंगवाई है। अच्छा जी, थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, मुश्किल से समझ में आएगा। ये एक मैंने माउंट मंगवाया है, मेरे अंदर एक शौक हुआ है कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगी। बाइक के जो अंदर बाइक चलाते हुए, बाइक राइड करते हुए जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, उसे कहते हैं मोटो व्लॉगिंग। तो ये हेलमेट पे लगने के लिए एक माउंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैंने गोप्रो नहीं लिया, मैं चारों तरफ मोबाइल से एक दो दफा प्रैक्टिस कर लूँ, फिर उसके बाद गोप्रो की तरफ जाऊँ। हो सकता है मुझे मज़ा ना आए, हो सकता है मैं ना कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने मोबाइल वाला मंगाया, क्योंकि मोबाइल मेरे पास है। ये मैंने एक माउंट लिया है मोबाइल और गोप्रो दोनों के लिए। ये आ गया, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये उसके कुछ एसेसरीज हैं, ये मोबाइल यहाँ इस पर अटैच हो जाता है। ये एक रिमोट है, इससे आप बटन प्रेस करके वीडियो ऑन वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ये गोप्रो का है, जब ये गोप्रो खरीद परचेज करूँगा तो इसमें यूज़ होगा। यही कुछ चीजें मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अभी हाथ के हाथ। ये देखिए, इसके बैक साइड में रबड़ है, ये यूं लग जाएगा मेरे हेलमेट पे, हेलमेट पे यहाँ पे मेरा मोबाइल लग जाएगा। ये आ गया, ये मेरा मोबाइल होल्डर है, और इसकी क्वालिटी मुझे इसका कोई इशू नहीं है, इतनी मुझे अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही, मैं दूसरा परचेज कर सकता हूँ, सिर्फ ये मिल जाता है। सबसे ज़रूरी ये था, ये मुश्किल से मिलता है, और ये इसके जो ये एसेसरीज है ना, कीज़ वगैरह, ये मुश्किल से मिलती हैं, और ये अच्छी हैं, मतलब क्वालिटी इनकी मुझे सही लग रही है। तो देखते हैं अब क्या। ये इसका माउंट है, ये इसके फ्रंट साइड पे आ जाएगा, और इसमें बेल्ट है, दोनों बेल्ट लग जाएंगे इसमें। ये बेल्ट लग जाएगी तो ये आगे ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये मोबाइल होल्डर, ये हम इसके अंदर ऐसे फिक्स करेंगे। ये अब आप देख सकते हैं मोबाइल होल्डर माउंट के अंदर चलेंगे। उसके बाद ये हमारी की है, स्क्रू की, ये स्क्रू की इसके अंदर हम फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा मोबाइल लग जाएगा और मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है, मोबाइल का वेट ज्यादा है तो ये थोड़ा सा लूज रहेगा, ऊपर नीचे होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरा हेलमेट भी वो वाला नहीं जिसमें गोप्रो लगता है, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे मजा आएगा, समझ में आएगा तो ही मैं ये चीजें परचेस करूँ, क्योंकि हेलमेट भी महंगा है, मेरे ख्याल से 7,000 to 8,000 का हेलमेट है, गोप्रो है, फिर इसका प्रॉपर इसी किट लूंगा, फिर माइक लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती है ना, तो इसलिए मैंने कहा पहले ट्राई कर लिया जाए, अगर समझ में आएगा अच्छा लगेगा तो ये चीजें परचेज करूंगा इंशाल्लाह। तो अब इसके आगे मोबाइल लग जाएगा और आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इस टाइम मौजूद हैं आईफिल टावर पे, और हमने मोटो ब्लॉग का स्टार्ट लिया है। आई होप कि कैसा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत हाइट पे हम अच्छी खासी। बैरियर टाउन आईफिल टावर से लिखने हैं, बिल्कुल लास्ट में था ये काफ़ी हाइट पे था। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, बारिश भी अच्छी खासी हो रही थी, अब रुक गई है रोड, देखें आपको ऐसे फोटोज बहुत क्लियर नज़र आ रहे होंगे, तो हम स्लो स्लो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा मोटो ब्लॉग का भी, फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाइक का भी, इतनी हाइट पर आना, तो स्लो स्लो चल रहे बाइक की, आते हुए तो हालत ख़राब हो गई थी। सामने आपको नज़र आ रहा हो उसका स्टेडियम बन रहा है एक बैरियर टाउन का, ये आपको अगर नज़र आ रहा है। स्लो स्लो जाते हैं, बिल्कुल पता है, क्योंकि हम कराची में बनाते हुए डर लगता है, यहाँ
यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी से फील हो रही थी मुझे, तो मैंने बोला यार बना लिया जाए, ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि इक्विपमेंट वगैरह अपने साथ ही लाया था।